चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर इस बार निर्वाचन विभाग ने बेहतरीन नवाचार किए हैं और इसके तहत पहली बार मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के लिए कतार में खड़े होना या इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। तो वहीं उन्हें ईवीएम खराबी और वोटिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ी रोकने की टिप्स उन्हें पॉडकास्ट के जरिए बताई गई। पेश है ये रिपोर्ट। सरदार शहर उपचुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन इसके नवाचार मतदान कर्मियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मतदान सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर वोटिंग की टिप्स सहित तमाम किए गए उपाय उनके लिए अलग अनुभव वाले रहे। आपको बताते हैं कर्मचारियों को क्या क्या टिप्स दिए गए। मतदान कर्मचारियों को मतदान सामग्री, धक्का मुक्की और कतार में लगने की शिकायत, भीड़ होने की वजह से बड़ी मुश्किल से मिलती है मतदान सामग्री। इस बार मतदान कर्मियों को बैठाने की व्यवस्था की गई, टेबल पर मुहैया कराई गई सामग्री, कर्मचारी पॉडकास्ट के जरिए ईवीएम के बारे में बताया गया, वोटिंग में आकस्मिक हालत में क्या करना चाहिए ये भी बताया। पोलिंग पार्टी जो जाती है, जब वितरण होता है सामग्री का, तो उसमें देखा गया है कि ईवीएम के लिए अलग कतार है, फॉर्म्स के लिए अलग कतार है, तो प्रयास किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि बैठे बैठे जहां बैठे हैं, जहां ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पर आकर उनको उनका ईवीएम फॉर्म्स और अन्य सामग्री स्थल पे दी गई, साथ में उनके पार्टी के सभी सदस्यों को भी मिलने का मौका दिया गया, जिससे कि सुविधाजनक तरीके से वो देख सके कि क्या क्या सामान उनको पूरा मिला है नहीं मिला एक जगह बैठकर। और साथ में दूसरा एक प्रयास किया गया कि पोलिंग पार्टी को इस बार हम लोगों ने जो ईवीएम संबंधी जानकारी होती है, जो गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने उनको छोटे छोटे पॉडकास्ट बना के दिए, जो कि हमने द्वितीय ट्रेनिंग में दिए थे उनको, जिसमें कि मॉक पोल किस तरह से संपन्न कराया जाता है तथा साथ में चुनाव के दौरान में ईवीएम खराब होती है तो क्या करना है या आकस्मिक स्थिति में क्या करना है, कोई भी कारण आता है, तो उसके पॉडकास्ट बनाए थे छोटे छोटे, जिसको कि वो कहीं भी बैठ के, और इसको हमने बस में भी लगाया था ब्लूटूथ के माध्यम से, जिससे जब तक वो अपने गंतव्य स्थल पर जा रहे थे तब तक वो पॉडकास्ट सुन सकते थे और अपनी समस्या का निराकरण उन्हें वो मॉकपोल के दौरान भी कर सकते थे। और ये मुझे जो फीडबैक मिला है कि पोलिंग पार्टीज ने इसका फ़ायदा उठाया और इसका ये जो आउटकम रहा कि हमारी बहुत कम ईवीएम हमारे जो पोलिंग अधिकारियों की गलती से जो खराब हो सकती थी, जो रुक जाता था चुनाव, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ इस बार और केवल मात्र एक ईवीएम पूरा सेट तकनीकी रूप से खराब हुआ। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि ईवीएम को किस तरह से प्रयोग करना है उनको सरल भाषा में पॉडकास्ट के द्वारा समझाया गया। इस बेहतरीन व्यवस्था से इस बार मतदान कर्मचारी इतने गदगद हुए कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करके सीईओ को भिजवाई। सरदार शहर उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तो इसका सारा श्रेय मतदान कर्मियों को जाता है, लेकिन इसमें बड़ा योगदान मतदान कर्मियों को मिले बेहतर इंतजाम का भी है और यही कारण है कि यह प्रयोग बार बार निर्वाचन विभाग हर उपचुनाव और चुनाव में दोहराने जा रहा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।